पाकिस्तान के कराची में आतंकी हमले के बाद एटमी हथियार आतंकियों तक पहुंचने का डर। आतंकी संगठन टीटीपी के लिए आधुनिक हथियार बने बड़े मददगार। पाकिस्तान के सामने परमाणु जखीरे को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी चुनौती। इमरान खान की करीबी नेता का बड़ा दावा, टीटीपी के आतंकियों को पाकिस्तान में बसाना चाहते थे पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा। कराची पुलिस हेडक्वार्टर पर आतंकी हमले का नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हथियारों के साथ बिल्डिंग में घुसते नजर आए तीन आतंकवादी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। इमरान के घर के बाहर पीटीआई समर्थकों और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। लाठी के साथ पहरेदारी कर रहे पीटीआई के कार्यकर्ता। लाहौर के जमान पार्क में इमरान खान के घर के बाहर भारी संख्या में इकट्ठा हुए समर्थक। पीटीआई की महिला कार्यकर्ताओं ने भी संभाला मोर्चा। इमरान खान के घर के बाहर राशन पानी लेकर जमा हुए समर्थक और कार्यकर्ता। प्रदर्शन के बीच नाश्ता बनाते हुए पीटीआई कार्यकर्ताओं का वीडियो हुआ वायरल। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का कबूलनामा। बोले दिवालिया हो चुका है पाकिस्तान, मुल्क का मुकद्दर बन गया है आतंकवाद। कंगाल पाकिस्तान में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची महंगाई दर। खाने पीने के सामान की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी। कपड़ा निर्यात में भी भारी गिरावट। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के बीच पाकिस्तान की बाहरी कर्ज अदायगी में 70% की बढ़ोतरी। वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में पाकिस्तान ने $10.21 अरब अमेरिकी डॉलर के कर्ज का भुगतान किया। पाकिस्तान की बर्बादी के लिए नवाज शरीफ ने गैंग ऑफ फाइव को ठहराया जिम्मेदार। लंदन में नवाज शरीफ ने कहा 5 लोगों के गिरोह ने आर्थिक हालात किए खराब। जरूरी सामान की कीमतें नियंत्रण से बाहर। जहां लोग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं, तो वहीं पाकिस्तान के नेता अपनी सियासत चमका रहे हैं। खबर है कि शरीफ सरकार में फूट पड़ गई है और मरियम नवाज ने महंगाई के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेर लिया है, क्योंकि उनकी नजर अपने चाचा की शहबाज शरीफ की कुर्सी पर है। पाकिस्तान में हर बीतते दिन के साथ महंगाई और बेरोजगारी की मार गहरी होती जा रही है। खाने पीने के सामानों के साथ ही ईंधन और बिजली की कीमतें आसमान छू रही हैं। लेकिन पाकिस्तान के सियासतदान लोगों की तकलीफों से बेफिक्र अपनी सियासत चमकाने में जुटे हैं। इन बदतर हालातों में मरियम नवाज ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मरियम ने शरीफ सरकार पर जानबूझकर महंगाई बढ़ाने और पाकिस्तान को बदतर हालात में पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान की मीडिया में मरियम के इस बयान की खूब चर्चा हो रही है।